गाबा सर गुड मॉर्निंग। ए आज तो थर्सडे, चाचा भतीजा कर रहे हैं क्या अपन लोग? कर लेंगे, व्हाई नॉट, बिल्कुल ऑलवेज तैयार। डन है, 1 बजे डॉक्टर साहब हुआ तो उसको दिखा दीजिएगा टीजर। 1 बजे चाचा भतीजा निफ्टी सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व करेंगे। पर चाचा जी सुबह की मदद कर दीजिए, आज का टॉप कॉल। पर आज का टॉप, गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को, गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल है बैंकिंग क्षेत्र से, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। दिक्कत बेसिकली इसका चार्ट स्ट्रक्चर तो ठीक है, अच्छा बेस बनाया है ना हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर, और एक स्टॉक में रेजिलियंस है। ट्रेड करा है 1765 पे, स्टॉप होगा 1755, 10 रुपए। टारगेट होगा लॉजिकल 1800। लेना कहां पर है? आसपास मिले तो लेना है, वरना इसको छोड़ देना है गैप अप, क्योंकि आई वॉन्ट माई ट्रेड माई वे और आई डोंट वॉन्ट द ट्रेड। सेटअप सही है लेकिन तेज पीछे दौड़ना नहीं है कोटक महिंद्रा बैंक। तेजी के पीछे दौड़ना नहीं है, अगर आसपास मिले क्लोजिंग के तभी लें, वरना छोड़ दें। और एक स्टॉप लॉस और टारगेट गाबा सर ने जो मेंशन किए वो आपकी स्क्रीन पर, 1800 के टारगेट, 1755 के स्टॉप लॉस। लेकिन ध्यान रखिए अगर 1765-70 के आसपास मिले तभी, अगर खुले ही 1780-90 पर तब छोड़ दें इस ट्रेड को। मानस गुड मॉर्निंग, मानस आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए अगर खरीदारी करनी है तो कमिंस पे आप ध्यान बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है कंसोलिडेशन के बाद। कल हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, वहां पर वॉल्यूम्स देखने को मिले, तो आई थिंक पिछला हाई टेस्ट हो सकता है। तो कमिंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी 2764 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2850 के टारगेट सेट करने हैं। तो अगर बहुत गैप अप हो तो छोड़ दें, अदरवाइज अगर प्राइस पे मिले या 5-10 रुपए इधर उधर मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं। 2764 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2800 के कॉल ऑप्शन पे भी ध्यान दे सकते हैं। 60 रुपए की क्लोजिंग थी तो उसके आसपास मिले तो 39 के स्टॉप लॉस से आप इस ऑप्शन में खरीदारी करिए, 100 रुपए की टारगेट सेट करिए। ओके लीजिए आगे। मानस कह रहे हैं कमिंस खरीदारी करने का कॉल, 2800 का भी कॉल लिया जा सकता है। सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक सर टॉप कॉल। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए नजर है गोदरेज प्रॉपर्टीज पे, एक कॉन्ट्रा ट्रेड का ये सेटअप है, तो बाय करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2147 का क्लोज है, तो 2120 का स्टॉप लॉस रखेंगे, वो ज्यादा सेफ होगा। तो 2120 के स्टॉप लॉस के साथ आप गोदरेज प्रॉपर्टीज बाय करें। इसका जो स्विंग ट्रेड होगा इसका टारगेट होगा 2200 का इनिशियली, अगर 2200 के ऊपर चला जाता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा रहेगा 2240 का। सो 2200-2240 के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज बाय करें। ओके गोदरेज प्रॉपर्टीज बाय करें 2200-2240 के टारगेट के लिए। ये हो गए राजेश जी के पिक। कोलकाता चलते हैं अमित सेठ जी के पास। अमित जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी मेरा टॉप ट्रेड आज का रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में काफी रेजिलेंस दिखाई है, जब मार्केट इंडेक्स में हमें काफी सेल ऑफ देख रहे थे फिर भी स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा काफी अच्छे तरीके से होल्ड किया। जब जब स्टॉक 1060-1070 अपने सपोर्ट एरिया में, तो वहीं पे हमने डिमांड देखी और एक अच्छा ट्रैक्शन देखा स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि विद इंप्रूविंग मार्केट कंडीशंस ये स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और मुझे लगता है रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर सकता है। 1084 का प्राइस है, 1070 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रहेंगे 1110 और 1120 के। लीजिए भाई दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के प्लेयर्स अब स्क्रीन पे टॉप कॉल्स के तौर पर, कोटक भी था आईसीआईसीआई भी आ गया, बढ़िया है ये, चले तो मजा आएगा। बहेती साहब गुड मॉर्निंग, बहेती साहब आपके रडार पे क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी मेरे रडार पे भी आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक दोनों था, दोनों कवर हो गया है। तो तीसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो एसबीआई, काफी गिरा हुआ है स्टॉक में, काफी गिरावट देखने मिली और जिस हिसाब से स्टॉक ने पिछले 4 दिनों से एक बेस फॉर्मेशन किया 720 के जोन पे वो काफी इंप्रेसिव है। हमें लग रहा है इसमें ये काउंटर ट्रेड है, हमें लग रहा है इसमें एक पुल बैक यहाँ से देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी 725 का एक स्टॉप लॉस लगाना है इसमें और 750 तक के टारगेट के लिए इसमें पोजिशन बनाई जा सकती है। ओके तो ये हो गई बहेती जी की पिक एसबीआई। चलिए टेक्निकल कॉल्स मेरी मेरे ख्याल से आज की पूरी हुई। शर्मिला जी को जोड़ते हैं एक फंडा कॉल के लिए। शर्मिला जी गुड मॉर्निंग, क्या आपके रडार पर? गुड मॉर्निंग, तो कुछ वजह से मैंने थोड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक और फाइनेंशियल कंपनीज देखे, तो उसमें मुझे आवाज फाइनेंशियल काफी पसंद है। ये स्टॉक काफी करेक्टिव हो चुका है, रिजल्ट इसके अच्छे है, अभी वैल्यूएशन अच्छे लेवल पर आ गया है, तो मेरे हिसाब से इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एक एसआईपी चालू कर सकते हैं। माय टारगेट वुड बी क्लोजर टू 2000। फाइनेंशियल्स ये पसंदीदा पिक
शर्मिला मैम। ये शर्मिला मैम की आवाज दूर से क्यों आ रही है डायरेक्टर साहब, जरा सॉर्ट आउट करिए। चलिए आज के टॉप कॉल्स रिकैप कर देता हूं। इस बीच गाबा सर ने बैंकिंग दिग्गजों बैंकिंग का पसंद आ रहा है और बैंकिंग में सबसे पसंद आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। 1755 के स्टॉप के साथ तेजी करिए, बाय करिए 1800 का लक्ष्य यहां पर। कमिंस इंडिया मानस का प्रेफर्ड पिक, खरीदना है 2764 का स्टॉप है, 2854 का टारगेट है और चाहे तो 2800 का कॉल खरीद लीजिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज सतपुते साहब का प्रेफर्ड पिक, 2120 का स्टॉप लगाइए, 2200 और उसके बाद 2240 तक के लक्ष्य यहां हासिल होंगे। अमित सेठ साहब ने चुना आईसीआईसीआई बैंक, 1070 का स्टॉप है, 1110 का लक्ष्य पहला, उसके बाद 1120 तक का दूसरा लक्ष्य भी साध सकते हैं। तीसरा बैंकिंग पिक भी आ गया, हालांकि बैती साहब कह रहे थे रडार पे कोटक और आईसीआईसीआई प्रेफर्ड थे पर ये दोनों खा गए। कल भाईती साहब सबसे पहले आपके पास आऊंगा, आप कोशिश करना गाबा सर का स्टॉक खाओ। SBI लेकिन तीसरा प्रेफर्ड पिक जो पसंद आ रहा है, 725 का स्टॉप है, 750 के लक्ष्य होंगे और फंडामेंटली कुछ पिक एंड चूज करना है तो आवास फाइनेंशियर्स sharmilajoshi.com और शर्मिला जोशी की पिक 2000 के लक्ष्य यहां पे हासिल हो जाएंगे।